हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो होने वाली है ओएमएसएम की स्ट्रेटजी फॉर जून 2024 अटैम्प। ओएमएसएम की स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजी से बिल्कुल अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो नंबर्स ऑफ चैप्टर बहुत ज्यादा होते हैं और सेलेक्टिव पार्ट ही होता है जो पेपर के आने के अंदर चांस होते हैं। अब आप देखोगे कि अगर हमारे पास पूरे चैप्टर कितने हैं तो 15-20 चैप्टर है, और 15-20 चैप्टर में से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन तो कुछ लिमिटेड चैप्टर में से ही आएगा। तो एक स्ट्रेटजी वाला पार्ट इसमें इसके लिए बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो करके जाना पेपर में ज्यादा सही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपका, मैंने पिछले पास्ट अटेम्प्ट को एनालाइज करा, ठीक है, मैंने पिछले पास्ट मॉडल टेस्ट पेपर को एनालाइज करा, तो देखा यह गया कि क्वेश्चन नंबर 4 में ज्यादातर टाइम, ज्यादातर का मतलब होता है 70-30 का रेशियो ना, 60-40 का रेशियो, मतलब ज्यादातर टाइम ये देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 के पहले और दूसरे पार्ट में असाइनमेंट और सिमुलेशन आता है। मॉड्यूल 4 से आता है क्वेश्चन नंबर 4, पर आप सोचो कि मॉड्यूल 4 में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी पढ़ा है, मॉड्यूल 4 में हमने LLP भी पढ़ा है, EBQ भी पढ़ा है, तो क्या आपको लाइन बैलेंसिंग भी पढ़ा है, क्यून मॉडल भी पढ़ा है, भाई क्या आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है? जब भी कोई टीचर ओएमएसएम को पढ़ाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट को पढ़ाता है, तो वो हमेशा ये कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हो गया, क्यून मॉडल हो गया, क्यून थ्योरी जिसको हम कहते हैं, लाइन बैलेंसिंग हो गई, इसके बाद आपके पास EBQ इकोनॉमिक बैच ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हो गया। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट रखा गया इन चैप्टर को, असाइनमेंट सिमुलेशन, इन चैप्टर को इंपॉर्टेंस दी गई थी। जब भी हम OM के पढ़ते हैं, सभी टीचर, आपने यहाँ पढ़ा हो, कहीं पढ़ा हो, इंपॉर्टेंस दी गई है। बट हमने, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चैप्टर इतने ज्यादा है कि हमें सेलेक्टिव ही पार्ट डालना पड़ता है। इस बार इन्होंने इतने, इस बार क्या कहा, पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही कहा करा, थ्योरेटिकल पार्ट OM के अंदर बहुत कम देखा जाता था पहले, अब थ्योरेटिकल पार्ट को बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला और दूसरे में थ्योरी आएगी। अब ये थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जिसमें आपको पूरे OM की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज आप ये कर नहीं पाएंगे। अब मैंने इतना एनालाइज करके तो बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो थ्योरी है ना, इसको एनालाइज करना जरूरी था, क्योंकि मैं आपसे कहता कि पहला दूसरा क्वेश्चन आप छोड़ दो, स्ट्रेटजी के अनुसार दूसरा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें OM की थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और OM की बहुत सारी थ्योरेटिकल पार्ट करना पड़ेगा। हालांकि मैंने ऑपरेशन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट थ्योरी और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो डाली हुई है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखिए और वो थ्योरी को पढ़िए, और काफी नए क्वेश्चन भी मैं उसमें ऐड करूंगा, है ना, एक दो दिन में नए क्वेश्चन भी ऐड करूंगा जिसके अंदर जो नए देखा गया है रेड से, वो नए क्वेश्चन ऐड होंगे, तो वो एक हाईलाइटेड क्वेश्चन होंगे मेरी तरफ से। जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थ्योरी आ रही है ना, वो देखा गया है, वो थ्योरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले चैप्टर से और इकोनॉमिक स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट वाले चैप्टर में से आ रही है, मेंटेनेंस वाले चैप्टर में, ये वाला इकोनॉमिक स्पेयर मैनेजमेंट और नेटवर्किंग जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थ्योरी आ रही है वो इन दोनों से आ रही है। जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है ना, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से रिलेटेड पूछ लेता है क्वेश्चन, तो ये देखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के पहले वाले पार्ट में। तो जब आपको क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे वाले पार्ट में या तो फोरकास्टिंग आ रहा है ना, छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं ना, छोटे छोटे टॉपिक EBQ लाइन बैलेंसिंग, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, पर देखा गया है फोरकास्टिंग ज्यादा पूछा गया है, तो मैं ये तो कहूंगा नहीं कि भाई फोरकास्टिंग पढ़ के चले जाओ और बाकी छोटे छोटे टॉपिक छोड़ दो, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कहने वाला इधर बिल्कुल भी। और जगह मैं ये भी कहता था कि भाई ये वाला पार्ट पूरा छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, OMSM के अंदर मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ये रिक्स वाली बात हो जाएगी और बहुत ज्यादा रिक्स हो जाएगा। मैं आपसे कह दूं फोरकास्टिंग कर लो, बाकी छोटे छोटे पार्ट छोड़ दो, फोरकास्टिंग आया छोटे में से पूछ लिया, अब वहां पर मुझे बुरा भला कहोगे कि यार बताओ क्या स्ट्रेटेजी दी उन्होंने, तो भाई मैं इसमें आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये पर्टिकुलर छोड़ के चले जाओ। मैं एक चीज आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल करना इतना मजा आता भी नहीं है और इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले भी है और पिछली बार भी फंस गए थे और इस बार भी फंसने के चांसेस हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कभी फुल्ली डिपेंड नहीं होते। आपको कोई क्वेश्चन अलग लगता है कि यार ये मुझे लगता है ये आने के चांस है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, तो उसको भी करके जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन डाले गए हैं,
अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट, या किसी और टीचर ने कहा है कि और इंस्टीट्यूट ने कहा है इंपॉर्टेंट है, पर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में नहीं डला है, तो आप उसको करके चले जाइए, उनकी भी बात मान लीजिए, ठीक है जी। थ्योरेटिकल याला आप छोड़ सकते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो तीसरा करना है। अगर आप तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ये इकोनॉमिक्स वाला जो मॉड्यूल नंबर आपके पास 7 है और मॉड्यूल नंबर 6, इसकी थ्योरेटिकल आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, तब जाकर ये अटेम्प्ट होगा। यहाँ पर फोरकास्टिंग, ईवीक्यू और जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना वहां पर ये पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जितने भी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है वो करना पड़ेगा, ये अटेम्प्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मॉड्यूल 4 के जितने भी प्रैक्टिकल वाले पार्ट है, थ्योरेटिकल छोड़ दो, जितने भी प्रैक्टिकल वाले पार्ट है वो करके चले, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहा है तो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में प्रैक्टिकल पूछा गया है, तो मॉड्यूल 4 वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल जितने भी चैप्टर है जैसे असाइनमेंट हो गया, सिमुलेशन हो गया, लाइन बैलेंसिंग हो गया, ईबीक्यू हो गया, इसके बाद आपका लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इतने सारे चैप्टर है प्रैक्टिकल, क्यून थ्योरी हो गए, प्रैक्टिकल वाले चैप्टर है जो आपको मॉड्यूल 4 में कवर करना है। तो मॉड्यूल 4 में मैं ये नहीं कहूंगा कि असाइनमेंट और सिमुलेशन करके चले जाओ, क्या पता वहां पर लाइन बैलेंसिंग से पूछ ले, क्या पता वहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछ ले, ट्रांसपोर्टेशन से पूछ ले, कहीं से पूछ सकता है भाई। इसलिए मॉड्यूल 4 के जितने भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसको आपको कर, जितने भी प्रैक्टिकल है उसको करके जाना है। मैंने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर क्या क्या करा दिया मैं आपको बता देता हूँ। फास्ट ट्रैक बैच में मैंने असाइनमेंट करा दिया जो मेरा चल रहा है यूट्यूब पर, प्ले लिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, असाइनमेंट करा दिया है फास्ट ट्रैक बैच में, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिमुलेशन करा दिया है, इसके बाद मैंने आपको करा दिया है नेटवर्किंग चैप्टर, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याला भी करा चुका हूं मैं कंप्लीट, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक ये भी करा चुका हूं फास्ट ट्रैक में। अब मेरा जो फास्ट ट्रैक में कराने जाऊंगा वो कराऊंगा फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक्स एंड एक्सपेरिमेंट, जिससे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए। बहुत सारी चीजें मैंने फास्ट ट्रैक में करा दी है, 20 क्लासेस के अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, असाइनमेंट, सिमुलेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, इसके बाद आपका अभी हाल ही में मैंने एक चैप्टर और कराया आपके पास, याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा था वो, इसके बाद मैंने नेटवर्किंग आपको करा दिया है, ठीक है, असाइनमेंट करा दिया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करा दिया, ये सब चीज। अब मेरा जो अगला टारगेट है वो है फोरकास्टिंग, ईबीक्यू और इकोनॉमिक स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट, जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले करा देता हूं, बाद में अगर लास्ट में क्लास में आप नहीं भी करते बाद वाले चैप्टर तो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास पांचों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए, आपको मॉड्यूल नंबर 7 और मॉड्यूल नंबर करना पड़ेगा, ये मैं करा रहा हूं, मैंने फास्ट ट्रैक में ये करा चुका हूं, ठीक है। तो ये आपको करना है 1, ये आपको करना है 2, ये आपको करना है 3, 3 हो गए अटेम्प्ट, दूसरा क्वेश्चन छोड़ देना है, 3 मैंने अटेम्प्ट करवा ले, दूसरा क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, दूसरा वाला छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल है छोड़ भी दोगे तो 3 आपने ओएम में अटेम्प्ट कर लिया। अब कितने रह गए, 2 रह गए, टोटल कितने करने थे, 5 करने थे, पहला तो करोगे ही कंपलसरी है, तो दूसरा क्वेश्चन आप छोड़ के जा सकते हैं, 1, 2, 3 मॉड्यूल 4 पूरा करो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, मॉड्यूल 5 में 2 ही मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर आपके पास 6 हो गया और 7 हो गया वो करना है आपको, जिसमें ये करा दिया ये मैं करा रहा हूं डिवीजन में, बाकी फोरकास्टिंग और छोटे छोटे जो टॉपिक्स है प्रैक्टिकली वो करो उसमें ले, और ये थ्योरी कहां से आएगी, इन दोनों चैप्टर से आएगी, वहां से कर लेना, ठीक है जी। इसके बाद आप अगर पूरा अच्छा से करना चाहते हैं, क्योंकि देखो मैं तो ये कह रहा हूं यहां से आएगी, पर क्या होता है कई बार इंस्टीट्यूट अपना पैटर्न ही फॉलो नहीं करता, वो कहीं से भी दे देता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने जो मॉडल टेस्ट पेपर रखे 100% को फॉलो करो, हाँ 80% तो 90% फॉलो होता है, 10% चेंज कर देता है किसी भी क्वेश्चन में, पिछली बार भी ऐसे करा था। तो अगर मैं इससे कह रहा हूँ कि ये चैप्टर से आएगा और यहाँ से नहीं आया कहीं से आ सकता, ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा आप। अब यहाँ पर बात होगी, तो मैंने आपसे कहा कि ओएम के अंदर आप तीसरा, चौथा और पांचवा अटेम्प्ट करके आएंगे, जिसमें पांचवे में आपको कौन कौन से चैप्टर करेंगे, मॉड्यूल 4 के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर, मॉड्यूल नंबर 2 के प्रैक्टिकल चैप्टर, थ्योरेटिकल नहीं, 2 के प्रैक्टिकल, एंड 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मॉड्यूल नंबर 6 और मॉड्यूल नंबर 7 करना होगा। अब आ जाते हैं एसएम के अंदर, भाई साहब एसएम के अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उससे हर बार क्वेश्चन फंसे हैं, हर बार फंसे हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओएम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसएम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑडिट ग्रुप 2 के जितने भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ढूंढ सकते हैं नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मॉड्यूल 8 से और मॉड्यूल 11 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 से मॉड्यूल 9 और मॉड्यूल 9 से आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 मॉड्यूल 10 या फिर 11 से आएगा। अब ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि देखो हर एक स्टूडेंट अपने अनुसार पढ़ता है, किसने मॉड्यूल 8 पढ़ा है, किसने मॉड्यूल 8 अच्छे से करा है, मॉड्यूल 10 अच्छे से नहीं करा, तो मैं उससे कहूंगा कि एक काम कर मॉड्यूल 8 अलग से कर, अच्छे से करा है तो मॉड्यूल 11 और कर जा, तो ये वाला और मॉड्यूल 9 कर ले,
दोनों का टाइम हो जाएगा, एक क्वेश्चन तो छोड़ना ही है इसमें भी, है ना, क्योंकि करने तो पांच ही अटेम्प्ट है। अब किसी ने कहा कि सर मैंने मॉड्यूल 10 अच्छे से करा हुआ है, मेरे को मॉड्यूल 8 नहीं आ रहा समझ में, तो मैं वो नहीं करा हुआ, तो वो कर लो आप, तो मॉड्यूल 10 आपको कर लो, तो ये क्वेश्चन 11 और 8, तो मॉड्यूल 8 11 और 10 आपकी मर्जी है, कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए इसमें से, कोई एक अटेम्प्ट करिए, मॉड्यूल 8 11 यहां से आ रहा है, 9 देखो अगर आप मॉड्यूल 9 करते तो ये वाला दोनों अटेम्प्ट कर लोगे। फिर भी अगर आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं सारे की प्रिपेयर करना चाहता हूं, तो एक काम करो एसएम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ विद आंसर डाली हुई है मैंने, पीडीएफ विद आंसर, डाउनलोड नहीं हो सकती, पीडीएफ विद आंसर डाली हुई है, कहां डाली हुई है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाल रखा है, व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मैंने वो वीडियो शेयर कर रखी है, वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि कहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपरली स्ट्रेटेजी है, ओएम की स्ट्रेटेजी आप खुद से करो, क्योंकि देखो मेरे को नहीं पता कि आपने ओएम में एसएम की स्ट्रेटेजी आप खुद से करो, एसएम में मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा चैप्टर आपको अच्छा लगता है, कौन सा चैप्टर की आपकी अच्छी रिवीजन है और कौन सा नहीं है, ये आप इतने बड़े तो आप भी हो कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करके जाना चाहिए और क्या नहीं। मैंने आपको बता दिया कहां कहां से आए, मॉड्यूल 8 से एक क्वेश्चन आएगा, मॉड्यूल 11 से यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, मॉड्यूल 9 से पक्का क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है, मॉड्यूल 10 और मॉड्यूल 10 कभी 11 आ जाता है, तो ये प्रॉपरली आप लिख लो उसको और आराम से डिसाइड करो कि मैं कौन सा इसमें से छोड़ के जाऊं अपने अकॉर्डिंग, कि मुझे क्या याद करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। याद करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दी है, मैं फिर कहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं होते, वो करके जाऊं और पास हो जाऊं ये मत कहना, ये गलत चीज हो जाती है। कई बार स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि सर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाऊं तो पास हो जाऊंगा, गलत चीज है। देखो ये आप प्रोफेशनल कोर्स में हो, 11वीं 12वीं में नहीं हो कि आप ये कहोगे कि मैं इतना कर लूं तो पास हो जाऊंगा। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब क्या है, टफेस्ट कोर्स है, इसमें आपको खुद से भी करना होगा। आपको लगता है कि यार मुझे ये लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन आएगा, आने के चांस है, और देख रहा हूं तो सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं करके चले जाता हूं, मुझे भी लगता है कि आने के चांसेस हो सकते हैं, तो अपनी भी कुछ स्टडी या रिसर्च लगानी चाहिए हमेशा, अपने किसी पे डिपेंड होकर नहीं चलना चाहिए और ना ही मेरे पे डिपेंड हुई, आप अपनी भी स्ट्रेटेजी लगाइए, अपना भी लगाइए। मैंने मॉड्यूल 8 के अंदर मान लो 5-6 क्वेश्चन डाले हुए, आपको लगता है नहीं यार एक क्वेश्चन और लगता है मुझे आने के चांसेस, याद करके जाओ उसको भी, सिर्फ डिपेंड होने से नहीं होता, प्रोफेशनल कोर्स है, टफेस्ट कोर्स कर रहे हो आप, सिर्फ किसी पे डिपेंड होकर या इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड होकर कभी नहीं जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेल्प के पर्पस से होते हैं, फंसते हैं उसमें से क्वेश्चन, एक हेल्प मिल जाती है, चल ये तो याद करके ही जाता हूं, एक्स्ट्रा आप अपने हिसाब से कुछ और भी याद कर सकते हैं, राइट। फिर आप कहोगे मैं कभी नहीं कहता कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो और कुछ मत करो, ना, मैंने हर बार 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 वीडियो में ये कहा हुआ है कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ, सिर्फ इसी पे डिपेंड होके मत जाओ, मैं कहता हूं करके जाओ इनको भी, ये कंपलसरी करो, और तो आपने जो जोड़ना है वो तो करो, ये जरूर करके जाओ, क्योंकि इसके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा उनको, ठीक है सर। तो ये प्रॉपरली स्ट्रेटेजी है, एसएम की खुद से मेंटेन करिए, ओएम मेरे हिसाब से चलिए 1, 2 और 3, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम में मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी, ज्वाइन करके रखिए और चैनल को भी ज्वाइन करिए हमारा। देखा जाता है कि जो भी हमारे व्यूअर है उसमें से 51% देखा जाता है व्यू करके सब्सक्राइब नहीं करते और 49 सब्सक्राइब करते हैं, ये हमारा ये एनालिसिस बताता है यूट्यूब का। 51% मतलब 51% चांस है 51% लोग व्यू करके और सब्सक्राइब नहीं करते। करिए दोस्त, मैं काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, बाकी आपके ऊपर है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, मर्जी आपकी है। हैव अ नाइस डे, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जरूर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।